फ्लावर ये प्लांट का हाईली मॉडिफाइड हाईली स्पेशलाइज्ड हाईली कंडेंस और रिप्रोडक्टिव पार्ट है यदि ब्रांच पे फ्लावर सिंगल होता है उसे सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं और जब फ्लावर्स बंचस में होते हैं ग्रुप में होते हैं उसे इन्फ्लोरसेंस कहते हैं तो सिंगल फ्लावर को सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं और बंचेस ऑफ फ्लावर्स को इम्फ्लोरेसेंस कहते हैं सिंगल फ्लावर के स्टॉक को पेडिसल कहते हैं तो जब पेडिसल होगा फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसलेट फ्लावर और जब पेडिसल नहीं है एब्सेंट है तभी इट इज कॉल्ड एज ससाइल फ्लावर तो स्टॉक प्रेजेंट फ्लावर इज पेडिसलेट स्टॉक एब्सेंट फ्लावर इज ससाइल फ्लावर में चार वर्ल्स होते हैं और ये चार वर्ल्स दो ग्रुप में डिवाइडेड है वो है एक्सेसरी वर्ल्स और इसेंशियल वर्ल्ड एक्सेसरी वर्ल्स, वर्ल्स नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। इनमें है कैलिक्स एंड करोला इसेंशियल वर्ल्ड टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। इसमें है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम तो फ्लावर में चार वर्ल्ड होते हैं कैलिक्स करोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम कैलेक्सन करोला एक्सेसरी वर्ल्ड है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इसेंशियल वर्ल्ड है जब चारों वर्ल्स फ्लावर में होते हैं फ्लावर को कम्प्लीट फ्लावर कहते हैं और जो फ्लावर कंप्लीट है वो बाइसेक्सल होगा यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम है इसे हरमा प्रोडक्ट फ्लावर भी कहते हैं तो जो फ्लावर कंप्लीट होगा बाइसेक्सुअल हर्मा फ्रोडाइट होगा कैलिक्स कैलिक्स फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ल है और ये इंडिविजुअल मेंबर्स सेपल से बना है सेपल्स यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं और सिंह ग्रीन कलर के हैं इनमें होता है क्लोरोफिल तो ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। यदि सभी सेपल्स यूनाइटेड है जॉइंट है फ्यूज्ड है कंडीशन है गैमोसापैलेस एग्जाम्पल चाइना रोज। और यदि सेपल्स फ्री है कंडीशन है पॉलिसापैलेस एग्जाम्पल ब्रासिका तो जब सभी सेपल्स यूनाइटेड है इसे गैमोसापैलेस कहते हैं और जब सभी सेपल्स फ्री है उसे पॉलिसापैलेस कहते हैं गैमोसापैलेस में एग्जाम्पल है चाइना रोस पॉलिसापैलेस में एग्जाम्पल है ब्रासिका कैलिक्स का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन बड़ कंडीशन जब फ्लावर कलीफॉर्म में होता है उसे प्रोटेक्शन कैलेक्सी देता है कैना और मुसेंटा में सेपल्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं इन्हें कहते हैं पेटालॉइड सेपल फंक्शन है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलीनेशन सोनकस में सेपल्स मॉडिफाइड होते हैं इन टू स्ट्रक्चर्स जिसे पैपस कहते हैं यह हेल्प करता है इन डिस्पर्सल ऑफ़ सीड एंड फ्रूट कैलिस इसके तीन टाइप्स है कॉड्यूकस डेसिडियस और परसिस्टेंट कॉड्यूकस में एग्जाम्पल है अर्जीमॉन पॉपी यहां पे जैसे फ्लावर बट ओपन होता है सैपल्स गिर जाते हैं सैपल्स फॉल्स ऑफ एसन एज द फ्लावर बट ओपन डेडियस में सेपल्स सर्वाइव करते हैं टिल विथ रिंग ऑफ पैटल्स फ्रूट फॉर्मेशन एग्जाम्पल है लोटस और मस्टर्डिडियस so, सैपेल्स सर्वाइव टिल फ्रूट फॉर्मेशन विथ रिंग ऑफ पैटल्स परसिस्टेंट में फ्रूट बनने के बाद भी सैपल्स रहते हैं सेपल्स रिमेन्स इवन आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन एग्जाम्पल है ब्रिंजल और P तो आपने बहुत बार देखा होगा ब्रिंजल में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये सेपल है और इसे कहते हैं परसिस्टेंट सेपल